मेरे एक वीडियो के चक्कर में मैं नहीं चाहता मेरे देश को कोई नुकसान हो। बहुत पावरफुल कंट्री है इंडिया। बेचारे प्राइवेट नौकरी करे हुए लोग हुए, ब्रेक मांगने में भी डर लगता था। झूले सामने देखिए, कुदरती कहर से झूलता हुआ ब्लॉगर। गरीब खाने नहीं, बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा फील हो रहा है। क्या सुंदर नदी है यार, ये लेक टाइप बनी हुई है अपने आप में। लोमा 17 किलोमीटर रह गया है अब यहाँ से। आर्मी की इंस्टॉलेशन हर जगह दिख रही है, लगता नहीं यहाँ ड्रोन उड़ाने का हो पाएगा भैया। और मैं भी नहीं चाहता भाई मैं ऐसी जगह पर ड्रोन उड़ाऊँ जहाँ से हमारी देश को कुछ भी नुकसान हो, कोई भी इंफॉर्मेशन पास हो, लीक हो, ऐसी कोई जगह से मैं ड्रोन नहीं उड़ाना चाहता। मेरे एक वीडियो के चक्कर में मैं नहीं चाहता मेरे देश को कोई नुकसान हो। सिर्फ एक ड्रोन शॉट ही तो नहीं होगा, आई एम श्योर आप लोग भी एडजस्ट करिए लोग इतना देश के खातिर। इसलिए मैंने जहाँ जहाँ से अभी तक ड्रोन उड़ाए हैं मैंने पहले लोकल से भी पूछ लिया है, अलाउ है ना। दारचा में मैं ड्रोन उड़ाने की सोच रहा था, वहाँ पर पुलिस वाला था, मैंने जाके सबसे पहले उससे पता किया कि सर यहाँ पर ड्रोन उड़ाना अलाउ है या नहीं है। उसने बोला नहीं है, मैंने नहीं उड़ाया भाई। ऐसे ही देख लो भाई, आंखों में ड्रोन बसा लो ड्रोन में कैसा दिखता है वो सोच लो आप। वाओ, और यार रास्ते देखो आप भाई साहब, मतलब सीधे ऐसे करके मतलब पहाड़ों के ऊपर ही घुसे जाएंगे सामने छेद मारते हुए, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर पर्पल है, वहाँ ऊपर ब्राउन कलर का है। बहुत सुंदर लोकेशन है। आर्मी वाले दिखते हैं भाई, सल्यूट कर दिया करो उनको, भी लगे फोकट ही नहीं मरने गए हम, देश की सेवा कर रहे हैं। तो देश में जो नागरिक है उस चीज़ की वैल्यू करते हैं। रॉक क्राफ्ट एरिया, आर्मी का बेस था तो दिखाया नहीं मैंने, और आप भी कोशिश करें ना दिखाएं। बहुत बड़ा बेस है भाई, बाकी जो भी है अच्छा लगता है देख के। हालांकि ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में रहते हैं यहाँ पर वो, भाई साहब देख के ऐसा लगता है यार बहुत पावरफुल कंट्री है इंडिया। ये यहाँ पर बिल्कुल बगल में हमारे चल रही नदी ITBP की चेक पोस्ट थी, और साथ में मिलिट्री पुलिस की चेक पोस्ट थी जो हमने नहीं दिखाई। देखो यहाँ पर अचानक से बाढ़ आई होगी तो ये डूबी रहेगी। फिर उन्होंने भी सोचा होगा क्या निकाले हैं, बहुत सारी है हमारे पास, ये अंडर वाटर ही रहने देते हैं, तो इसको अंडर वाटर ही रहने दिया है। ये इंडस रिवर है। अरे भाई साहब कितना छोटा सा बछड़ा है। ग्रीनलैंड भाई साहब, अच्छी खासी हवा चल रही है भैया यहाँ पर। बॉर्डर के बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं अब हम। रंगो है 6 किलोमीटर भैया। भाई साहब नदी के ठीक बगल में घर है यार। बाढ़ वाड़ का वैसे मेरे ख्याल से लगता नहीं है, इन लोगों को भी खतरा रहता होगा तभी बिल्कुल नदी के बगल में घर बना रखे हैं। यहीं पर ही नदी है, बिल्कुल रोड के बिल्कुल बगल में नदी आ रखी है। शायद नहीं आती होगी बाढ़ यहाँ, बारिश ही नहीं गिरती होगी। एक छीटा तो मेरे मुंह पड़ा वैसे अभी। खान ले रह गया है 41 किलोमीटर। बीच बीच में यार ये इस टाइप का बना रखा है ना, मुझे ऐसा लगता है टैंक वगैरह के लिए बना रखा होगा। सामान्य रोड से अगर क्रॉस करता होगा तो दिक्कत आती होगी, शायद रोड टूटने का खतरा वगैरह रहता होगा। बहुत सारी मैंने ऐसी सीमेंटेड क्रॉसिंग देखी है रास्ते पर। So really anyone... तो भैया आज का ब्रेक नंबर 420 ले रहे हैं हम। इसके बाद जो ब्रेक होगा वो 421 नंबर का होगा। हाँ कल तक पहुंच जाएंगे, देख लेंगे परसों तक। बहुत बढ़िया नजारा है यार यहाँ का, मजा आ गया। देखो पत्थर कैसे लटके पड़े हैं, एक आधी भी लुढ़क लुढ़क के आएगा ना भी निपट जाएंगे खुद। रेत में तो पड़े हुए उनके कोई ब्रेक भी नहीं, अचानक कभी भी लुढ़क सकता है। ये खड़ी है भैया अपनी बाइक, और ये खड़े पड़े हैं हम, जिंदगी झंड हो गई है माँ कसम इतने ब्रेक ले लेके। और क्या वाला कब के होते होते यार। हाँ यार क्या करें भाई साहब, जितने ब्रेक ये मार रहे हैं ना कसम से, इतने ब्रेक तो मेरे आज तक जिंदगी के नहीं हुए होंगे। इतने तो मेरे साला 14-15 साल जब नौकरी की तब भी टोटल ब्रेक मार लू ना, इस राइड में जितने मार दिए उतने नहीं मारे होंगे कसम से। बेचारे प्राइवेट नौकरी करे हुए लोग हुए, ब्रेक मांगने में भी डर लगता था। तो अपने को कहाँ पर भरते हैं यार इतने ब्रेक साहब, क्या है ढुचुक पुचुक। बोले तुम्हारे चक्कर में पीछे रह जाते, आगे लगा दे यहीं पर ही। कितनी सारी भीड़ जा रही है भाई,
to save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk. बारिश आने लगे भैया, बारिश। Be here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. तो भैया यहाँ बन रही है रोड। अब 360 कैमरा मैं ऑन तो करना चाहता हूँ, कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने बाइक रोकी तो मोमेंटम टूट जाएगा, मोमेंटम टूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी और टायर जो है फिर उसके बाद चलेगा नहीं, रुक जाएगा। मैंने बिल्कुल सही जगह से निकाला था, कुछ नहीं, वो फंस गया था ना पीछे हिमांशु। इतने सारे अप्स एंड डाउन्स, कर्व्स, ऑफ रोड, सैंडी रोड, और सामने बहुत ज्यादा मौसम खराब हो रखा है। मुझे मुश्किल लगता है यहाँ से कोई मिल्की वे वगैरह दिखना है आज, और ना ही ऑब्जर्वेटरी से कोई फायदा होने वाला है। 8 किलोमीटर रह गया भैया हनले, इधर को बादल है, उधर को बादल, खत्म होने लग गए। और हनले कितने किलोमीटर है भैया? 3 किलोमीटर रह गया है। लेफ्ट हैंड साइड का कुछ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उधर पे आर्मी का बेस है। ये मॉनेस्ट्री दिखाने के लिए ही कैमरा ऑन किया, अदरवाइज ऑफ था। शायद हनले आ गया है, पीछे चेक पोस्ट थी जो हमने नहीं दिखाई आपको। तो गाइस हनले का ब्रिज आ गया है, सामने ऑब्जर्वेटरी, इंडस नदी लगातार हमारे साथ, बड़ी शांत टाइप की लग रही है यार कसम से। और इधर को आसमान साफ होने लग गया है, पीछे को पूरा का पूरा बादल ही बादल लगे हुए हैं, इधर थोड़ा बहुत खुला हुआ है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। विंटर कार्निवल करे बहुत है यहाँ। हेलो भैया, इसके साथ ही हानले में आ गए हम। होम स्टेज है यहाँ, कैंप नहीं है और कैंपिंग करने भी नहीं देते हैं ऐसा सुनने में हमारे आया है। घर तो बहुत है यहाँ, गोवा होम स्टे। झूले गाइस, फाइनली टॉप पे पहुंच गया हम। यहाँ से पैदल जाना है, तो हमने है ऑब्जर्वेटरी, इधर पता चल रहा भैया मौसम तो इधर खुला हुआ है। हानले तो पसंद आ गया भैया हमको, पूरे लद्दाख में फेवरेट जगह हो गई मेरी ये। इधर वैसे एक बार बताऊं, वहीं होम स्टे में पता करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ड्रोन उड़ा सकते हैं यहाँ, क्योंकि वो तो है ही नहीं कहीं। आर्मी के पॉइंट वहाँ सारे पीछे वहाँ रह गए। साहब भयंकर हवा चल रही है, ये है ऑब्जर्वेटरी और नीचे है हानले गांव। सब जगह बादल लगे हुए हैं, बस इसी के ऊपर धूप आई है। आवाज तो क्या ही आ रही होगी, अगर आ रही है तो सुन लो, जा रहे हो ऑब्जर्वेटरी को। अरे रे रे रे, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें तेरे को कोई चिंता नहीं होने की। तो गाइस बताते हुए बहुत खेद है, झंड कर आ चुके हैं बहुत बुरी ढंग से, इतना चढ़ के आए और साला बंद है यार, सब बंद है यहाँ, सारी दुकानें समेट के निकल चुके हैं ये। सामने देखिए कुदरती कहर से जूझता हुआ ब्लॉगर, कोई आगे ना जा पाए, पहले कुत्ते ने रोड ब्लॉक कर रखी है। देखो गजब व्यू है यार यहाँ से नीचे का, मेरे को तो ये जगह बहुत पसंद आ गई। और अपने को ऐसा पूरा नीचे को जाना है जहाँ वो गाड़ियां दिख रही हैं, बहुत बड़ा एरिया है यार। रूम नंबर 2B,
तो भाई होम स्टे में आ गए हैं, ये पड़ा हुआ अपना सामान और ये पड़े हुए दो लोग, इधर पे वॉशरूम है, वॉशरूम में देखो उजाला है अंदर, उजाला खूब है, सही वॉशरूम है। और भाई चल रहा है, वीडियो चल रहा है, वीडियो सब बढ़िया खैरियत। सो गाइज यहाँ पर आज हमको करना पड़ेगा ट्रिपल शेयरिंग, एक बेड यहाँ पर है, डबल बेड यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। कल तक हम सिंगुलर में रह रहे थे मस्ती में, ट्रिपल में डायरेक्ट, आज हमारे डिमोशन हो गया, आज हम ट्रिपल में, कल वापस से हम प्रमोशन में आ जाएंगे, वापस से सिंगुलर में आ जाएंगे, फिर उसके बाद लेह तक वही चलेगा अपना, फिर सोनमर्ग में, फिर हम ये और में ज्वाइन में आ जाएंगे, इसको हम भगा देंगे लेह से। तो भैया ये है इनका गरीब खाना, गरीब खाना नहीं बहुत अच्छा है, हर दिन से अच्छा है। और अब्दुल्ला बढ़िया, बाल बच्चे सब ठीक ठाक? नहीं ये टेंशन है बस, ये थोड़ा सही नहीं हो रहा है, हम लोग को टेंशन ले रहा है। अरे इसको फुका हो कुछ, तुमसे बात ना हो पाई, दोपहर में बात ना कर रहे थे, बिल्कुल ले लेते हैं। आपने अपने बैग लो, चलो ये सर अपना बैग चलो, तुम खुद उठाओ आज, इसको अभी भी हवा नहीं आ रही। अच्छा बाहर तो आ, ये हमारे दोस्त हैं, दोस्त लाएंगे, वेरी गुड, मिल आएंगे। अच्छा उड़ जाना फिर दोस्त, बेटा यहाँ तक तेरे को लाया है तो क्या, एक बार बताऊं भाई साहब इनसे मिलिए, ये हैं शरद, पवार वाले नहीं जैन वाले, जैन है ना पीछे या क्या है, मौर्या है, मौर्य, तो ये शरद पवार वाले नहीं है, मौर्य वाले हैं। अभी इनको हमने एक टोटका दिया ये जो होती है पूरी नरा, ये गोली बिना पानी के घटक लो और गले में अटका लो जो इन्होंने अटकाई है, कैसा लग रहा है आपको? ठंडा ठंडा फील हो रहा है, मजा आ रहा नहीं आ रहा पुंगी बजी इसकी। सो गाइस इट्स डिनर टाइम, दाल और ये फूलगोभी की सब्जी विद कैरेट्स एंड दिस रोटी। ये चलेगा? कौन चलेगा, क्या है चकना? हाँ चलेगा। तो गाइस ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, बट यहाँ पर ना मैंने एक स्टार लैप्स लगाया है, और जैसे ही बनता है फिर आपको दिखाते हैं 360 से स्टार लैप्स कैसा बना हुआ है यहाँ का, हाल ही में जहाँ पर मिल्की वे।